हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और वहीं रतिया में महिलाओं ने कर्जा मुक्त रैली का आयोजन किया और महिलाओं ने यहां पर मजदूर मुक्ति मोर्चा के बैनर तले शहर में मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह पूंजीपतियों के कर्जे माफ किए गए उसी तरह उनकी भी निजी कंपनियों से लोन माफ करवाए जाएं। मामला ये है कि पिछले हम 3-4 महीनों से एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो औरतों की है। औरतों को जो कर्जा दिया जा रहा है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा, वो पिछले कई 5-7 सालों से इस जंजाल में फंसी हुई है। और इस लॉकडाउन के अंदर सरकार ने जो 8,000 करोड़ रुपए सरकार ने बड़े पूंजीपतियों का माफ़ किया है, 50 पूंजीपतियों का, तो हम चाहते हैं कि ये औरतों ने जो 50,000-20,000 रुपये कर्जा लिया हुआ है वो भी माफ़ करे सरकार। क्योंकि इसी लॉकडाउन में क्या है कि इन औरतों के पास ना तो काम था, ना कोई इनका मतलब घर का इतना बड़ा सिस्टम है। ये मजदूर परिवारों से औरतें हैं जो कर्जा ये नहीं भर सकती, तो आज जो है कर्जा जो लेने वाले किस्त वाले हैं लेने वाले वो इनको तंग करते हैं बिना बात से। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से इनका कर्जा माफ़ करे।